आज महाअष्टमी है और आज महागौरी की पूजा होती है। आज अहले सुबह से ही हम इस समय हैं पटना राजधानी के सबसे प्रसिद्ध डाक बंगला पूजा पंडाल में, और आप देख सकते हैं कि आज अहले सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आना लगातार जारी है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब आ रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। चूँकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था, माँ का पूजन जरूर हुआ था, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप से जो श्रद्धालु हैं वो बाहर नहीं निकल पाए थे। लेकिन इस बार लोगों में खुशी है कि कोरोना का अब कहर नहीं है, असर नहीं है, और खुशी खुशी जो लोग हैं वो माँ की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद माँ का इतना अच्छा सा पूजा आयोजन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, परिवार के साथ आए हैं माँ का दर्शन के लिए। आज अहले सुबह से लोगों का आना शुरू हुआ है जिस तरह, और हमें उम्मीद है, सब लोगों को उम्मीद है कि कल शाम में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी थी, और शायद आज उससे भी ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी, चूँकि अष्टमी को पूरे ना सिर्फ पटना राजधानी से बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए और भव्य पूजा पंडाल देखने के लिए आते हैं। तो ऐसी उम्मीद है जो कि आज जो ये इलाका है जो अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा है, शाम में यहाँ पूरा लोगों का जनसैलाब होगा। सहयोगी रणधीर के साथ अरुण चौरसिया, कशिश न्यूज़, पटना।